हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुतली बम वाले आतंकियों को पकड़कर पीएम मोदी 2019 के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। संजय यादव। दिल्ली से यूपी तक आतंक पर आज बड़ा प्रहार हुआ है। आईएसआईएस के नए मॉड्यूल हरकत उल हर्ब ए इस्लाम का खुलासा हुआ है। दिल्ली और यूपी में 16 जगहों पर छापे मारे गए हैं। दिल्ली और अमरोहा से इन्हीं गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआईएस के ये संदिग्ध बड़ी साजिश की फिराक में थे, मगर बरामद किए गए हथियारों के साथ सुतली बम मिलने पर एनआईए की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। इस मामले पर राजनीति विश्लेषक संजय यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, एनआईए ने देश भर में छापेमारी कर आईएसआईएस द्वारा भारत में बहुत बड़े आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश किया है। इसमें जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली बहुत खतरनाक चीजें बरामद हुई हैं। वो है दिल्ली के सुतली बम और देसी कट्टे, जिनका इस्तेमाल आजकल गली के गुंडे भी नहीं करते। बताइए, आईएसआईएस जैसा खतरनाक आतंकी संगठन भी भारत आकर इतना असहाय हो जाता है कि उसे बारूद की जगह दिवाली के बच्चे पटाखों और सुतली बम से फियादीन हमले की योजना बनानी पड़ रही है। वो तो धन्य हो एनआईए की इस बरामद कर बड़े खतरे को टाल दिया। दंगाइयों की लाख कोशिशों और मंदिर मस्जिद के बावजूद अब हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा तो अब ये सब खबरें प्रचारित करवाई जाएंगी। कुछ जगह हमले भी करवाए जा सकते हैं, माहौल तैयार किया जा रहा है। वाह जी वाह, जनता सब जानती है, पूरे देश को गुजरात मत समझिए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।